हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल techtar.com में। दोस्तों, फिर एक नया रूल लागू हो गया है सऊदी के लिए। वो कोरोना का तीसरा डोज का जो बूस्टर डोज का जो सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी हो गया है। तो इसके लिए मेरे कई भाई लोग परेशान हैं और कैसे होगा, कब होगा, और किसी का वीज़ा लगा हुआ है उसके वजह से रुका हुआ है। तो दोस्तों, चलिए उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो लाया हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे। वहाँ लिखेंगे COWIN कोविन। कोविन लिखेंगे वहाँ, फिर ये कोविन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका साइट खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर और साइन इन होता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जो आपने पहले दो डोज ले रखा है या तीसरा डोज भी ले रखा है, आप यहाँ क्लिक करें। और यहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना होगा थोड़ा, इसलिए कि ये साइट थोड़ा स्लो ही चलता रहता है। तो अपना यह नंबर यहाँ पे डालें, मोबाइल नंबर, जो नंबर आपने इंजेक्शन लेने के टाइम में जो आपने टीका लिया था कोरोना का वो दिया था, वही नंबर यहाँ पर डालें। उसके बाद दोस्तों ये तुरंत आपके मोबाइल पे OTP सेंड कर देगा। तो वहाँ से आपको फिर वो OTP यहाँ आपको पेस्ट करना है, टाइप करना है यहाँ पे। OTP डालने के बाद दोस्तों फिर ये आपका आपको यहाँ पे जो भी आपके इस नंबर से जितना भी इंजेक्शन जिसने भी लिया होगा सारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आपका जो रेफरेंस नंबर है, और अगर आपने पासपोर्ट से लिया तो आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, जो पासपोर्ट का लास्ट का 4 डिजिट आपको शो होगा। अगर आपने अगर आधार से लिया है तो जो भी मेरे गल्फ़ वाले भाई हैं या जो जाना चाहते हैं या जो गल्फ़ से रिटर्न हैं या जो छुट्टी पे आए हुए हैं वो अपना पासपोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं अगर आधार पे लिए हुए। तो दोस्तों यहाँ से हम आएंगे राइज एंड इशू पे। राइज एंड इशू पे आने क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ से राइज एंड इशू पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए करेक्शन इन माय सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम। तो आप नाम में कुछ अगर आपको गलती हो गया तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं, या आईडी कार्ड चेंज करना चाहते हैं। जैसे पासपोर्ट अगर आप डालना चाहते हैं आपका अपने आधार से लिया है तो आप यहाँ से पासपोर्ट भी डाल सकते हैं अपना। और यहाँ से मर्ज 2 डोजेज, यानी कि दो सुई लिया तो आप एक सर्टिफिकेट पे चाहते हैं दोनों इंजेक्शन का तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासपोर्ट का डिटेल डाल सकते हैं। 3rd नंबर में, 4th में रिपोर्ट अननोन मेंबर रजिस्टर्ड विद माय कोविन अकाउंट। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि गलती से किसी दूसरे आदमी का बाय मिस्टेक एक नंबर इधर से उधर होता है तो किसी दूसरे आदमी का नाम आ जाता है या आपके नंबर से वो जुड़ जाता है, तो आप इसको यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं और हटवा सकते हैं अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर नहीं है तो। यहाँ से आप ट्रांसफर ए मेंबर टू ए न्यू मोबाइल नंबर, आप अगर नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मिस्टेक से अगर आप मान लें फैमिली का किसी मेंबर का दे दिया है, आप अपने नंबर पर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में है रीजनरेट योर फाइनल सर्टिफिकेट। तो ये सबसे मेन चीज़ है, यहाँ से आपको रीजनरेट योर फाइनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये सीधा तो रीजनरेट योर फाइनल सर्टिफिकेट, रीजनरेट मतलब कि आप फाइनल सर्टिफिकेट यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। आपने मतलब पहले जो इंजेक्शन लिया है और मतलब शो नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा है तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ क्लिक कीजिए रीजनरेट सर्टिफिकेट पे। और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मेंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर से जो एक आपका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर होता है वहाँ पे 4 आदमी, 5 आदमी या 6 आदमी जिसका भी होता है फैमिली मेंबर का वो सारा दिखता है आप। तो यहाँ पे आपको पहले उस मेंबर का जिस मेंबर का आप जनरेट सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं वो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। पहले आपको सेलेक्ट ए मेंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां से क्लिक करने के बाद देखिए, या मैं मेरे नंबर पे ये सिंगल है बस, तो मान लीजिए ये सिंगल ही एक ही नाम आएगा। अगर 3-4 नाम होगा
इस नंबर से मोबाइल नंबर से, तो तीन चार नाम साथ में आएगा, उसमें आपको जिस नाम का सर्टिफिकेट जेनरेट करना है, फाइनल सर्टिफिकेट अगर जेनरेट करना है जिसका भी, उस पर क्लिक कर देना और जेनरेट सर्टिफिकेट पर ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जेनरेट सर्टिफिकेट पर आप ठीक है दोस्तों, यहाँ से जेनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों ये देखिए, आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो गया, नीचे में जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। यहाँ पे आप इसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ये फाइल में आप देख सकते हैं कि कहाँ मतलब ये सेव होता है। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर में आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से मैं देखिए इसको डेस्कटॉप पे लाया हूँ। डेस्कटॉप पे लाने के बाद दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ से आ गया है। ठीक है, ये फर्स्ट डोज है 3 जुलाई 2021 का, उसके बाद सेकेंड डोज है 13 नवंबर 2021 का, और ये आपका थर्ड डोज जिसे बूस्टर डोज कहते हैं, ये दो तारीख का है। और आपको जो है ना ये देख लिए, ये आ गया है और यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर आपने ये देखिए दोस्तों, ये पहले का सर्टिफिकेट है जिस पर दो डोज था, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पर सिर्फ दो डोज था, और उसके बाद इस पर ही मैंने वो किया था जो मतलब जेनरल सर्टिफिकेट किया है, तो वो आपको थर्ड डोज भी दिखा रहा है। ये देखिए, मैं आपको आगे ये भी दिखाता हूँ कि थर्ड डोज दिखा देता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरा डोज है। तो दोस्तों अगर आपने सेकेंड डोज लिया है, फर्स्ट डोज लिया है, सेकेंड डोज लिया है और थर्ड डोज नहीं लिया है, या आपने ले लिया है थर्ड डोज फिर भी आपका नहीं शो हो रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी जहाँ पे भी सेंटर लगता था पहले, या जो जहाँ से आपने इंजेक्शन लिया है वहाँ से भी डायरेक्ट जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अर्जेंट है, मुझे इंजेक्शन चाहिए। तो आप तो सेम डे जिस दिन आप लेंगे इंजेक्शन उसी दिन आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ बताएं, जो मतलब जो आते हैं वहाँ से गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो आपको उसी टाइम में आपके नंबर से अब इंजेक्शन ले करके आप खुद से जनरेट करवा सकते हैं थर्ड डोज। इसलिए थर्ड डोज यहाँ से आपको नहीं हो सकता है बगैर इंजेक्शन लिए हुए। तो आप जाएं, कोशिश करें कि मतलब मिल जाए, जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हैं। थर्ड डोज लेने के बाद दोस्तों आपको सेम डे आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और कोशिश करें कि अपने पासपोर्ट पे लेने का दोस्तों, पासपोर्ट पे ही लेना है। अगर आपके आधार पे गलती से आपने ले लिया है फर्स्ट डोज, तो आप उसे चेंज करवा करके पासपोर्ट पे भी करवा सकते हैं, या किसी भी साइबर वाले से, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप किसी भी साइबर वाले से जा करके उसे पासपोर्ट पे चेंज करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आप अपना आईडी। तो